हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम मधुलिका। और आज मैं आप लोगों से बात करूंगी थायराइड के बारे में। एक्चुअली जब किसी ने थायराइड का टेस्ट करवाया होता है तो उसको अक्सर पता चलता है कि उसके अंदर T3, T4 एंड TSH, ये तीनों चीज़ों का टेस्ट उसको क्लियर किया जाता है। इसका ये फुल प्रोफाइल टेस्ट होता है थायराइड का। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो थायराइड होता है, जो एक ऐसा ग्लैंड होता है हमारे नेक के अंदर, जिसके अंदर से हार्मोन सिक्रीज होते हैं T3 एंड T4। अगर ये हार्मोन्स जो हैं वो कम सिक्रीज होते हैं, इनका सिक्रीशन कम होता है, तो ये कहलाता है हाइपोथायराइड। लेकिन अगर इनका सिक्रीशन ओवर हो जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है, तो इसको कहते हैं हाइपरथायराइड। और ये जो सिक्रीशन होता है, ये हमारे शरीर के अंदर हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हमारे मेटाबॉलिज्म को और हमारे हार्ट रेट को, तीनों को जो है ये बैलेंस करके चलता है। अगर इन इस थायराइड टेस्ट में आपका कुछ भी गड़बड़ आता है, तो आप एक बार ज़रूर इस बारे में सोचिए कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं आज बात करूँगी हाइपोथायराइड के बारे में। एक्चुअली हाइपोथायराइड में होता क्या है कि जो आपका सिक्रीशन होता है T3 एंड T4 का, वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो जो भी आप खाना खाते हैं या जो भी आप फूड इनटेक करते हैं, उसको उससे आपका जो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो काफ़ी वीक हो चुका होता है। तो वो खाना आपको पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ हो जाते हैं इसके अंदर, और आपके अंदर जो एनर्जी लेवल होता है वो काफ़ी लो हो जाता है। उसी की वजह से आपकी जो स्किन होती है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है। वेट तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी पुट ऑन हो ही जाता है, लेकिन इसमें इतना डरने की बात नहीं है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि प्रॉब्लम थायराइड की नहीं होती है, कुछ और भी ऐसे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से जो आपका थायराइड टेस्ट है, जो थायराइड है, वो आपका थोड़ा बढ़ा हुआ आता है, यानी कि TSH आपका बढ़ा हुआ आता है। तो आज मैं जिस विषय पर बात करूंगी वो करूंगी, अगर आपके प्रोफाइल में T3 एंड T4 ये दोनों नॉर्मल रेंज में होते हैं और केवल TSH आपका थोड़ा बढ़ा हुआ आता है, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका T3 एंड T4 दोनों नॉर्मल रेंज में हैं। तो TSH के बढ़ने के और भी कई कारण होते हैं। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, और जनरली हम उसके लिए क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन उसको लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो आपको मैं एक छोटी सी रोशनी में इस बात पर डालना चाहूँगी कि अगर आपका जो TSH है वो 5 से लेके 10 तक के बीच में अगर आपका है, तो ये माइल्ड हाइपोथायराइड का इसको काउंट किया जाता है। और इसके कुछ भी रीज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसी थायराइड की कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई हो। तो इसमें आप बजाय मेडिसिन लेने के, अगर आप खुद से नेचुरल ट्रीट करना इसको शुरू करें, तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। अब फिर उसके बाद आप 1 से 2 महीने के बाद जब इसको नेचुरली आप ट्रीट करेंगे, तो अगर आपको इसका थोड़ा भी रेंज कम मिलता है, तो आपको दवाइयाँ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो थायराइड में TSH जो आपका बढ़ा हुआ आता है और T3 T4 आपका नॉर्मल आता है, उसमें प्रॉब्लम होती है कि आपका ग्लैंड जो है, जो थायराइड ग्लैंड जो यहाँ नेक के पास होता है, वो एक्चुअली प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। उसके कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि ये हो सकता है आपके जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर ना हो रहा हो, उसकी वजह से भी हार्मोन का सिक्रीशन जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा जो होता है, आपके जो टिश्यूज़ होते हैं, ग्लैंड के जो टिश्यूज होते हैं, वो भी समटाइम्स जो होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो TSH है, जितना बनना चाहिए आपका, उतना TSH आपका नहीं बन रहा है, जबकि आपको थायराइड के ऐसी कोई भी इश्यूज़ नहीं होता है। और थर्ड जो होता है वो ये हो सकता है कि आपके शरीर, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी वीक हो गया है, इसकी वजह से जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनने लग जाते हैं, मरते कम हैं बनते जाते हैं, तो भी इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो आ जाती है, यानी कि आपका TSH जो होता है थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ जाता है। तो इसमें आपको इतना घबराने की बात नहीं है। और दूसरा मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि अगर आपका TSH थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप ठीक है, आप ये 3 महीने आप ये टैबलेट्स खाइए, तो इसके बाद आपको जो है काफ़ी आराम पड़ जाएगा, तो इसके बाद हम दवाइयाँ जो है बंद कर देंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो हमारा थायराइड हार्मोन, जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है हमारा, ये T3 एंड T4, ये हमारी बॉडी नेचुरली बनाती है। इसके लिए अगर आप नेचुरली ट्रीट भी करेंगे और ऊपर से भी आप हार्मोन लेना शुरू कर देंगे, तो ये इतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता, यानी कि जो आपको, जो आपका ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो ग्लैंड है,
वो आपका कम काम करेगा क्योंकि उसको ऊपर से हार्मोन मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको नेचुरली ट्रीट करते हैं और नेचुरली ट्रीट करने के साथ साथ आप इसमें दवाइयां नहीं लेते हैं, तो वो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा और सही तरीके से काम करने लग जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह के कोई इश्यूज नहीं होंगे। लेकिन अगर आप नेचुरली ट्रीट कर रहे हैं अपने थायराइड को, तो आप किसी भी तरह की मेडिसिन ना लें शुरू शुरू में, तो बिल्कुल भी ना लें। जब तक आपका थायराइड जो है वो 10 से अबव ना जाए, तब तक आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपको ऐसी थायराइड की कोई प्रॉब्लम हुई है। हो सकता है आपके अंदर एंटीबॉडीज इतने ज्यादा बन गए हैं जिसकी वजह से आपका जो TSH है वो प्रॉपर आपके हार्मोन सिक्रीज ना कर रहा हो। अच्छा, इसके बाद जो मैं बात करूंगी, जो नेचुरल ट्रीटमेंट जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, दो या तीन चीजें मैं ऐसी बताऊंगी आपको जो कि नेचुरल ट्रीटमेंट में आते हैं। बिल्कुल फर्स्ट इनिशियल आपको बस उतना ही करना है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो TSH कम क्यों बना रहा है, और आपका नेचुरली ट्रीट हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। कोई जरूरत नहीं है आपको कि आप अपना मेडिसिन लें। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मॉर्निंग में आप धनिए का पानी और उसमें जीरा भी ऐड कीजिए, क्योंकि अगर आपको थायराइड की ऐसी कोई इश्यू है और आपका वेट काफी पुट ऑन हो रहा है, तो आपको जीरे और धनिए इन दोनों का पानी आपको सुबह लेना है। आप करना कैसे है कि रात को 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया गोल वाला, इन दोनों को भिगा दीजिए और सुबह इसको उबाल कर छान कर इसको आप पी लीजिए। तो ये आपके थायराइड ग्लैंड को काफी अच्छे तरीके से रेगुलेट तो करेगा ही, साथ में जीरे का पानी जो होता है ये आपके वेट को रिड्यूस करने में काफी हेल्प करेगा। दूसरा जो ये है कि आप जो भी आप मील लेते हैं, खाना जो भी आप खाते हैं, उसमें ऐसी चीजें मत खाइए जो कि आपको डाइजेस्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी आपके जो TSH आपका बढ़ा हुआ आता है तो आपको जो मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो काफी मेटाबॉलिज्म काफी स्लो हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से आपको दो चीज करनी होती है। सबसे पहला तो आपको खाना जो है वो थोड़ा कम क्वांटिटी में खाना चाहिए, और मील जो है वो आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि खाने में ऐसी चीजें खाइए जो आपको इजिली डाइजेस्ट हो जाए। तो ये दो जो इशू हैं वो आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखने हैं। और तीसरा मेजर और सबसे बड़ा जो आपका है, जो आपको करना चाहिए, वो करना चाहिए और आपको एक उज्जायी प्राणायाम होता है। उज्जायी प्राणायाम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको उज्जायी प्राणायाम नहीं आता है, या फिर उज्जायी प्राणायाम की सही प्रक्रिया क्या है तो उनको पता नहीं होता है। उसमें भी एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसमें आपको करना क्या है कि अपने होंठ को मुंह को बंद करना है, और बंद करके लंबी गहरी सांस लेना है और ओम का उच्चारण मुंह बंद करके करना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये उज्जायी प्राणायाम से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इस समय पर आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो पूरी तरीके से वाइब्रेट होता है। और उसके वाइब्रेशन से क्या होता है कि एक तो आपके अंदर, आपके ग्लैंड के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छे तरीके से जाता है अगर ये प्रॉब्लम है। दूसरा जो उसके टिश्यूज होते हैं वो भी काफी मजबूत होने लगते हैं, क्योंकि वहीं पर वाइब्रेट होता है। आप करके देखिए, सबसे पहले मुंह बंद कीजिए और एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और ओम का उच्चारण करते हुए उस सांस को बाहर छोड़िए, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूं। तो ये प्रयास अगर आप डेली सुबह और शाम जब भी आपको समय मिले तब भी आप करें, तो आप देखेंगे कि जो आपका गला है वो काफी साफ भी होने लगा है, और आपके जो गले की जो कंपन है, यहाँ पर जो वाइब्रेशन होता है वो इसी जगह पे होगा। तो इस तरह से आप अभी मत कीजिए शुरू योगा या मत कीजिए शुरू प्राणायाम एकदम से, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप मत कीजिए। लेकिन आप सबसे पहले कम से कम मिनिमम आपको ये तो करना ही चाहिए, ताकि आपके जो एक फूड भी आप अपने थायराइड ग्लैंड के लिए दे रहे हैं, दूसरा आप एक ऐसी प्रक्रिया आप अपने गले से करेंगे जो कि आपको काफी फायदा देगी। शुरू में आप एकदम से डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन के चक्कर में मत पड़िए, मेरा हमेशा यही एक मोटो रहता है बोलने का, क्योंकि एक बार अगर आप थायराइड की टेबलेट खाने लग जाते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका हार्मोन होता है वो जो उसको हार्मोन जो आपका ग्लैंड होता है जिसको हार्मोन बनाने चाहिए, उसको इजीली बैठे बैठे ऊपर से हार्मोन मिलते हैं, तो वो कभी भी एक्टिवेट नहीं होता। इसीलिए इसको नेचुरली ट्रीट कीजिए, ये रिवर्स होता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी के ऊपर मैंने जो तीन अपने वीडियो बनाए हैं, डोंट ईट थायरोक्सिन इन थायराइड प्रॉब्लम Part 1, Part 2 एंड 3, उन तीनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और उन तीनों वीडियो को आप देखिए और उसमें देखिए कि मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आप लोगों को बताए हैं।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वारी है तो इस कमेंट बॉक्स में इसके ज़रूर आप लिखिए। और फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।